इतना वक्त नहीं है, समय नहीं है, जो मैं तपस्या करे सुंदर बने। नारद ने सोचा चलो भगवान के पास चलते हैं और भगवान से रूप मांगेंगे, कहेंगे आप मुझे सुंदर बना दो। फिर नारद ने सोचा अगर भगवान के पास चलोगे तो देर लग जाएगी, चलो भगवान के ही बुला लेते हैं, बड़े जल्दी में से ध्यान आया। नारद बोले महाराज हम दिन रात सोते जागते चलते फिरते उठते बैठते तुम्हारा ही ध्यान करते, आज ऐसा कोई काम करो जो काम हमारे हित में हो। भगवान बोले वही करेंगे जो तुम्हारे हित में होगा, कहो क्या करें। नारद बोले प्रभु आप मुझे सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो, इतना सुंदर बना दो, जो भी मेरी ओर देखे वो देखता ही रह जाए। क्या? हाँ, मैं सुंदर बनना चाहता हूं। अब भगवान बोले इसमें कौन सी बड़ी बात है नारद, हम सुंदर बना रहा। अब भगवान ने नारद को सुंदर बनाया, बस सुंदर। अब वो शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया, शरीर सुंदर और चेहरा बंदर का। अब तो शरीर को देख देख के नारद बड़े खुश हो रहे, अब तो शादी होगी जरूर होगी, जैसे ही हम स्वयंवर में जाएंगे लड़की मुझे देखेगी भागेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी और भाग करके मेरी गर्दन में जयमाला डाल देगी। नारद सोच रहे हैं सब लोग देखते ही रह जाएंगे, चुपचाप शादी करके लौट आएंगे। चले नारद, अब चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, बंदर का चेहरा है, शरीर दिखाई दे रहा है। बड़े मन में विचार सोचते हैं नारद कि बन कैसी है बाला, कि बन कैसी है बाला, और हमार घर नी हो बन कैसी बाला। सोच रहे नारद मन में कैसी है लड़की, तारे तारे लेन बजारे जैसे नागिन तारी, देख के लोग तारीफ करे ऋषि नारद की अति सुंदर नारी।